हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्पेशल ब्राइडल साड़ी ड्रैप, जहाँ पर मैंने अपनी दो सिल्की साड़ी यूज़ की है। काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं अपनी साड़ी को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके दिखाऊं, एंड ये पर्टिकुलर साड़ी ड्रैप मुझसे राजपरी ने रिक्वेस्ट किया था। सो थैंक्स फॉर योर सजेशन डियर। सो इस लुक में मैंने दो सिल्की साड़ी यूज़ की है कॉन्ट्रास्ट कलर में, एक पिंक कलर में है, एक ऑरेंज कलर में है। आप सिमिलर कलर में भी यूज़ कर सकते हैं, बट कॉन्ट्रास्टिंग का लुक ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो दो साड़ी आप सेलेक्ट करेंगे उन दोनों की जो बॉर्डर की विड्थ हो ना, वो सिमिलर होनी चाहिए। एंड ये साड़ी जो ऑरेंज कलर में है मैंने joshindia.com से परचेज की है, एंड पिंक साड़ी मैंने अमेजन से परचेज की है। दोनों की परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जितना सॉफ्ट सिल्क यहाँ पर आप यूज़ करेंगे उतनी ही अच्छी इसकी फिनिशिंग आएगी। ऑरेंज साड़ी को यहाँ पर मैं पल्लू में यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए मैं उसे बाद में यूज़ करूँगी। सबसे पहले जिस साड़ी का आपको पल्लू नहीं बनाना है उसे आपको रैप करना है। तो मैं यहाँ पर पिंक साड़ी को ले लूँगी, इसके ब्लाउज वाले पार्ट को मैं इस तरीके से फोल्ड करके अब टक करना स्टार्ट करूँगी। राइट हैंड साइड से टक करना है, जैसा हमेशा हम अपनी साड़ी में करते हैं नॉर्मल, वैसे ही वन राउंड आपको अच्छे से फ्लोर से टच करते हुए रैप कर लेना है। अपने हील्स पहले से कैरी कर लें। ब्लाउज यहाँ पर मैंने सेम पिंक कलर का यूज़ किया है, क्योंकि पल्लू में ऑरेंज कलर की साड़ी आएगी तो कंट्रास्ट में ब्लाउज बहुत अच्छा लगेगा। अब इस तरीके से देखिए, आपने एक राउंड टक कर लेने के बाद आप पल्लू वाली पार्ट पर चले जाएंगे और पल्लू के यहाँ पर हमको सिंपल प्लीट्स बना लेने हैं, जैसे हम हमेशा बनाते हैं। उसी तरीके से प्लीट्स की विड्थ आप कम रख के बिल्कुल बॉर्डर की विड्थ का आप यहाँ पर प्लीट्स बना लें और उन्हें अच्छे से क्रीज दे दें। आप चाहें तो इसे अच्छे से आयरन कर सकते हैं। सिल्क की साड़ी में आयरन अच्छी सी होनी चाहिए तो उसके बहुत अच्छा फिनिश्ड और परफेक्ट लुक लगता है। पिछले सिल्क साड़ी ड्रैप्स में मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप प्लीट्स बनाना भी बताएं। तो इस तरीके से देखिए, सिंपली आपको प्लीट्स बनाने हैं और उनको अच्छे से क्रीज देते जाना है। एंड अब यहाँ पर आप इसे ऊपर से सेफ्टी पिन से सिक्योर करके और आयरन से अच्छे से क्रीज बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने तो अपने हाथ से ही इस तरीके से क्रीज बना दिए हैं। आप हेयर स्ट्रेटनर का भी यूज़ कर सकते हैं और इन्हें अच्छे से यहाँ पर क्रीज बना करके बैक साइड से आपको टर्न करके अपने राइट हैंड पे इस तरीके से इसे डालना है। राइट हैंड पे आप मेजर कर लेंगे कितना आपको यहाँ पर नीचे रखना है। इतना नीचे रखने के बाद आप बाकी पार्ट को बैक साइड से इस तरीके से लेंगे, एंड जैसे हम सेंट्रल प्लीट्स बनाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर आपको प्लीट्स बना लेने हैं। एंड फ्रेंड्स, एक बात मैं आपसे बोलना चाहती थी, आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आती है, सजेशंस आती हैं किसी पर्टिकुलर ड्रेप को लेकर, बट मैं ज़्यादा सीरियल नहीं देखती हूँ तो मुझे नहीं पता होता है। गूगल पे सर्च करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा पर्टिकुलर ड्रैप आप देखना चाहते हैं। अगर आप उसकी पिक मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देंगे, मैसेज कर देंगे या फिर मेल कर देंगे तो मेरे लिए इजी रहेगा उस पर्टिकुलर ड्रैप को बनाना, एंड आप जो एग्जैक्टली ड्रैप चाहते हैं वो मैं क्रिएट कर पाऊँगी। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ पर हमारी प्लीट्स बन चुकी हैं। अब इन्हें आपको इस तरीके से झटकते हुए अरेंज कर लेना है, एंड जो फर्स्ट प्लीट है ना उसको आपको थोड़ा सा बड़ा रखना है ताकि वो दूर ना जाए बाकी सारी प्लीट से। इस तरीके से अगर आप उसे बड़ा कर लेते हैं तो नीचे से बहुत अच्छे से अरेंज रहती है आपकी प्लीट। अब सारी प्लीट्स को आपको थोड़ा थोड़ा सा गैप करना है ताकि फैली हुई दिखे नीचे की तरफ से प्लीट्स। तो इस तरीके से देखिए, आपने अरेंज कर लेना है और ऊपर से सेफ्टी पिन से सिक्योर करके इसे जो सेंटर में आपको नेवल के पास टक कर लेना है। तो काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है यहाँ पर, बहुत मुश्किल हो जाता है साड़ी पहनना, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ मैनेज करने की कि परफेक्टली यहाँ पर प्लीट्स अच्छे से बन पाए। सो फर्स्ट साड़ी ड्रैप का पार्ट इतना ही है, इसे आपको राइट हैंड पे इस तरीके से डाल लेना है, एंड बाकी पार्ट की आपने प्लीट्स बना करके टक कर लिया। अभी के लिए हम इसे शोल्डर पर रख लेंगे। एंड अब नेक्स्ट साड़ी के मैंने यहाँ पर पल्लू प्लीट्स बना करके रखे हैं, आयरन करके रखे हैं, और इसको अगर आप सीखना चाहते हैं तो राइट साइड में इसकी लिंक आ रही है किस तरीके से आप पल्लू को प्लीट्स बना करके पहले से हैंगर में रख सकते हैं, आप वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। अब इस तरीके से पल्लू को हम यहाँ पर डाल लेंगे और इसको आपको लॉन्ग रखना है, क्योंकि हमारे पास दो साड़ियाँ काफ़ी सारी लेंथ है, तो आप इसे जितना लॉन्ग रखेंगे ना उतना ज़्यादा आपको हाइट का इल्यूजन देगा, आप उतने ज़्यादा लंबे दिखेंगे। तो इस तरीके से पल्लू को मैंने यहाँ लॉन्ग रख लिया है। अब इसकी अपर बॉर्डर को पीछे से इस तरीके से लेते हुए मैंने आगे पूरी साड़ी को ले, जो नीचे वाली साड़ी है ना उसके पल्लू को आपको अपने शोल्डर पे ही रखना है, जहाँ आपने हाथ पे लिया था ना राइट साइड पे, उसे राइट शोल्डर पे उसी टाइम पे डाल लें। उसके बाद ऑरेंज साड़ी को इस तरीके से आप यहाँ पर अटैच करें तो ज़्यादा ईजी रहेगा। पिंक साड़ी के ऊपर से ही आपको ऑरेंज साड़ी को लेना है तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और अच्छे से आपकी साड़ी ड्रैप होगी। अब पूरी साड़ी को आगे लेने के बाद आपको इस साड़ी के प्लीट्स बना लेने हैं। प्लीट्स को आप थोड़ा सा ब्रॉड
शॉर्ट बनाइए, क्योंकि साड़ी की लेंथ बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा फ्लफ़ी दिखेगा नहीं तो आगे से, तो ब्रॉड प्लीट्स बनाएंगे तो वो फ्लफ़ी नहीं लगेगा। अब यहाँ पर प्लीट्स काफ़ी सारे बनाने तो आपके हाथ में दर्द हो सकता है, तो अब यहाँ पर क्लॉथ क्लिप का यूज़ कर सकते हैं, दोनों साइड पर क्लॉथ क्लिप को अटैच करके इस तरीके से प्लीट्स बना लें और जो लास्ट में रॉ है जो उसको अंदर की तरफ पे आपको फोल्ड कर लेना है। अब इस तरीके से देखिए प्लीट्स को अरेंज कर लें एंड इन्हें भी आप चाहें तो आयरन कर सकते हैं। अभी क्योंकि पल्लू हमने अटैच नहीं किया, इसे आप निकाल के आयरन करके ले आएं। अब दोनों प्लीट्स का डायरेक्शन आप देख रहे हैं ओपोजिट डायरेक्शन में है, पिंक का डायरेक्शन लेफ्ट हैंड की तरफ है एंड ऑरेंज का डायरेक्शन राइट हैंड की तरफ है। तो इस तरीके से देखिए नीचे से इसके प्लीट्स फैले हुए देखेंगे। आप चाहें तो कैनकैन स्कर्ट का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो उससे आपको थाई में बहुत अच्छे से स्लिम लुक मिल जाएगा एंड नीचे से फ्लेयर मिल जाएगा। अब पल्लू को हम इस तरीके से अपने ब्लाउज पे अटैच करेंगे। यहाँ पर आप बैक साइड में इसे सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लीजिए। अब इसे आप चाहें तो इस तरीके से लूज भी छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आप टाइट करना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करते हुए इसे सेफ्टी पिन से बैक साइड में सिक्योर कर लीजिए। बट इस तरीके से सिक्योर करने के बाद मुझे जो बैक साइड में रिंकल्स आ रहे थे ना, वो अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने इसे थोड़ा सा लूज रखा है। अब बैक साइड से पिंक साड़ी को भी आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से मैंने अरेंज करके अपने हाथों पे डाल लिया है एंड यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है हमारा लुक। अब आप देख रहे हैं कितना सुंदर लुक इसका लग रहा है, और कोई भी दो कलर की कॉन्ट्रास्टिंग साड़ी को आप यहाँ पर यूज़ करके काफ़ी सुंदर लुक क्रिएट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में वेस्ट में थोड़ा सा ही मुझे बल्की लग रहा है, बिकॉज आई हैव अ प्योर शेप बॉडी, तो मेरा वेस्ट एरिया थोड़ा सा चौड़ा है, तो आप उसे इग्नोर करिए। या फिर आप चाहे तो वहां पर टमी टकर यूज कर सकते हैं, या फिर कैनकैन स्कर्ट का जो पार्ट है ना वो थाइस पे बहुत टाइट रहता है, तो वो अच्छी फिटिंग आपको देगा। हम बैक साइड से भी आप देख पा रहे हैं इसका लुक मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। इसके जो रिंकल्स नीचे दिख रहे हैं ना वाटरफॉल टाइप के, बहुत सुंदर लग रहे थे। एंड इस लुक में दुपट्टा यूज किया हुआ है, तो आप इस तरीके से नेट फैब्रिक का दुपट्टा ओढ़नी ऊपर ले सकते हैं सिर पे, तो यहाँ पर आपका परफेक्ट ब्राइडल लुक क्रिएट हो जाता है। या फिर नॉर्मली आप एज अ वेडिंग गेस्ट कैरी करना चाहते हैं तो इस तरीके से दो साड़ी को यूज करके लुक क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे और फैशन टिप्स के लिए इस चैनल को, एंड उसके पास की बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। एंड या कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा इस लुक से रिलेटेड, या फिर नेक्स्ट लुक आप जो देखना चाहते हैं आप जरूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।